पूरे इंडिया की ट्रांसपोर्टेशन और ट्रक यूनियन जितने भी हमारे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात कहीं भी हो, सभी ने मिलके एक तारीख से लेके 3 तारीख तक ट्रकों को खड़ा करने का निर्णय लिया है। और जो भाजपा सरकार ने एक कानून बनाया है कि अगर ड्राइवर एक्सीडेंट करके भागता है तो उसको 10 साल का जुर्माना, 10 साल की सजा और लाखों रुपए का जुर्माना होगा। और इस वजह से सभी ट्रक ड्राइवर गाड़ियां छोड़कर घर को चले गए हैं, सभी गाड़ियां खड़ी हैं, कोई भी ड्राइवर आज ट्रक चलाने को सहमत नहीं हुआ। जो ड्राइवर लोग होते हैं वो अपने घर से, माँ बाप से, बच्चों से दूर होते हैं, हमेशा अपनी जान तली पे लेके चलते हैं। और एक तरह की ये सेना ही है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। अगर ये गंदे कानून बना के इस सेना को आप करोगे तो अस्त व्यस्त हो जाएगा सारा कानून सिस्टम, अस्त व्यस्त हो जाएगा। और सिस्टम को लागू जो किया, गलत किया है इन लोगों ने, किसी ड्राइवर से नहीं पूछा, किसी ऑपरेटर से नहीं इन लोगों ने पूछा, क्योंकि ये इतने गंदे कानून है, 8 लाख रुपया कोई गरीब आदमी कहां से देगा, 10 साल की सजा। अगर 10 साल की हर एक ड्राइवर को सजा होने लगी तो इतने ड्राइवर 22 करोड़ के लाइसेंस आ रही है इंडिया के अंदर, कहां से लाएंगे इतने आदमी।